अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स पढ़े थे, बाकी जो नेक्स्ट हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। वो तमाम जो प्रोसेस एल्गोरिदम थे जो हमने पहले पढ़े हैं वो नॉन प्रिमिटिव वर्जन्स थे, यानी उनमें एग्जीक्यूशन जो है उसको एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए रोका नहीं जा रहा था। तो इसमें पहला आ जाता है हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जो है वो प्रिमिटिव वर्जन है किसकी, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम हमारे पास कौन सा था, जिसमें सबसे छोटी जॉब जो थी, जो छोटा प्रोसेस था उसे पहले एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम भी बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, इसमें परमिशन ऐड कर दी गई है। इसमें देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्रोसेस वन है, इसके अलावा एक प्रोसेस टू है। प्रोसेस वन का हम कह रहे हैं कि इसे 5 सेकंड टाइम चाहिए, प्रोसेस टू जो है इसे 7 सेकंड चाहिए। इसी तरह से हमारे पास प्रोसेस थ्री है जिसे 6 सेकंड्स चाहिए। तो जिस तरह से शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट में था या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में था, हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस वन होगा, ठीक है, ये 5 सेकंड का रन हो रहा होगा। अगर ये हमारे पास वन टाइम पे अराइवल हो रहा है, ये टू पे हो रहा है, ठीक है, ये थ्री पे हो रहा है। इसी तरह से क्या है हमारे पास एक नेक्स्ट आता है पी फोर, जो सिर्फ क्या है हमारे पास 2 सेकंड है उसके, और ये हमारे पास किस में आ जाता है, अराइवल टाइम इसका 4 आ जाता है। तो अगर हमारे पास प्रोसेस पी वन एग्जीक्यूट हो रहा है और उसी वक्त क्या चीज़ है प्रोसेस 4 आ जाता है, या इधर प्रोसेस 2 जो है उसका हम कहते हैं कि वो क्या है 3 सेकंड्स का है, तो इसकी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी और प्रोसेस 2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त इसे क्या चाहिए, 4 सेकंड चाहिए, जबकि प्रोसेस 2 को 3 सेकंड मज़ीद चाहिए। तो ये चीज़ हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम कहती है कि जो वो प्रोसेस एलोकेट होता है, वो जॉब एलोकेट होती है सीपीयू को जो कम्प्लीशन के नज़दीक होती है, यानी जिसे सबसे थोड़ा टाइम कम्प्लीशन के लिए चाहिए। और अगर हमारे पास क्या है न्यू रेडी जॉब आ जाती है विद शॉर्टर टाइम टू कम्प्लीशन, और अगर हमारे पास ऐसी जॉब आ जाती है जिसका कम्प्लीशन टाइम एग्जीक्यूट होने वाली जॉब के कम्प्लीशन टाइम से कम है, तो वो वाला प्रोसेस प्रिमिटेड हो जाता है, वो वाला प्रोसेस जो है हाल्ट हो जाता है, वो दोबारा रेडी स्टेट में चला जाता है, और जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसका टाइम शॉर्ट है वो किस में चला जाता है, रनिंग में। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो किस में थे, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट में थे, कि ये भी इंटरैक्टिव सिस्टम्स में यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि उनमें हमें नहीं पता कि सीपीयू का टाइम कितना रिक्वायर्ड है। तो ये भी किन में यूज़ होगा, बैच इन्वायरमेंट्स में, और किस तरह के बैच इन्वायरमेंट्स में, जहाँ पर शॉर्ट जॉब्स को हमने प्रेफरेंस देनी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राउंड रॉबन स्केजुलिंग। तो राउंड रॉबन स्केजुलिंग का जो हमारे पास एल्गोरिदम है, हमारे पास ये है राउंड रॉबन स्केजुलिंग। तो राउंड रॉबन स्केजुलिंग भी किस तरह की है, प्रिमिटिव प्रोसेस स्केजुलिंग है। इसमें क्या किया जाता है, हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम एलोकेट कर दिया जाता है कि उस फिक्स टाइम में वो एग्जीक्यूट होगा। अगर एग्जीक्यूशन कम्प्लीट नहीं हुई तब भी क्या होता है, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है और उसको दोबारा टाइम दिया जाता है। इसको जो फिक्स टाइम है इसको हम क्या कह रहे हैं, क्वांटम। वंस अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ गिवन टाइम पीरियड इट इज़ प्रिमिटेड एंड अदर प्रोसेस एग्जीक्यूट फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर प्रोसेस पी वन है, चाहे उसका एग्जीक्यूशन टाइम 10 है, 5 है, जितना भी है, उसे हम एक क्वांटम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं 2 सेकंड का क्वांटम है, सब प्रोसेसेस को साइन कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रोसेस है, ये 2 सेकंड का प्रोसेस पी वन होगा, फिर 2 सेकंड का कौन सा होगा प्रोसेस पी टू होगा, फिर क्या होगा दोबारा पी वन होगा, दोबारा पी टू, अनटिल क्या है हर प्रोसेस की जिसकी भी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाएगी वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ यूज टू सेव स्टेट्स ऑफ अ प्रिमिटिव प्रोसेस। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, इसकी हमने पहले भी बात की है कि जब प्रोसेस पी वन
2 सेकेंड यानी एक क्वांटम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, प्रोसेस वन की स्टेट को सेव कर दिया जाएगा, जितनी उसकी एग्जीक्यूशन हुई है जितना उसका डाटा बना है वो सेव हो जाएगा और प्रोसेस टू को सीपीयू असाइन हो जाएगा। और फिर क्या है, प्रोसेस टू का डाटा सारा लोड हो जाएगा और जब उस दोबारा P1 को मिलना होगा, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होगी, अब जो स्टेट सेव हुई हुई थी अब वो दोबारा लोड होगी और प्रोसेस P1 की एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास क्या है, क्वांटम 3 है यानी 3 सेकेंड या कोई भी इसके या हम मिली सेकेंड या कोई भी इसे टाइम इंटरवल कह रहे हैं हर प्रोसेस को मिल रहा है, तो हमारे पास जितने प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में 3 प्रोसेस हैं, तो बारी बारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिहाज से तीनों प्रोसेस को सेम टाइम 3 सेकेंड अलॉट होता जाएगा अनटिल क्या है उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। तो इसमें देखें कि हमारे पास क्या है, प्रोसेस 0 वही वाले प्रोसेस हैं जो पहले हैं, तो उनका वेट टाइम भी हम उसी तरह से निकालेंगे, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो जो हमारे पास प्रोसेस थे P0, P1, P2, P3, तो इनका अराइवल टाइम हमारे पास 1, 2, 3 और 4 था, बल्कि इनका अराइवल टाइम था हमारे पास 0, 1, 2 और 3। तो P0 ये फर्स्ट है, इसको पहले 3 मिल गए, फिर क्या है P1 है उसको 3 मिल गए, फिर P2 को 3 मिल गए, फिर क्या है P3 को भी 3 पॉइंट्स मिल गए। अब क्या है इनकी एग्जीक्यूशन, अब हमारे पास P0 इसका टेबल जो है प्रीवियस एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन टाइम हमारा टाइम क्या थे, 5, 3, 8 और 6। तो ये हमारे पास क्या थे, 5, 3, 8 और 6। तो अब देखें इसमें से 3 एग्जीक्यूट हो गया, 2 रिमेनिंग बच गया, ये हमारे पास 3 ही था, तो P1 जो है वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, वो नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा। इसमें से 3 हो गया तो 5 रह गया, इसमें से 3 हो गया तो 3 रह गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हमारे पास P0 की इनकी एक दफ़ा एग्जीक्यूशन हो गई, नेक्स्ट टाइम P0 को क्या है, 2 असाइन होगा, क्योंकि उसका सिर्फ कितना रिमेनिंग रह गया, 2, वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर P2 आ जाएगा, P2 को कितना असाइन होगा, 3, और फिर उसका रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास, 2। नेक्स्ट क्या है P3, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब रिमेनिंग सिर्फ कौन सा बचा है, P2, तो वो क्या है एग्जीक्यूट हो जाएगा इनको बारी बारी इस तरह से। तो इनका अगर वेट टाइम भी निकालें तो हम कैसे निकालते हैं कि सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो जो उनका अराइवल टाइम सर्विस टाइम है उसमें से हम क्या माइनस करते गए हैं, अराइवल टाइम। तो इस केस में देखें कि हमारे पास जो एवरेज वेट टाइम है वो क्या आ रहा है, 8.5। उसकी वजह क्या है कि हर प्रोसेस को हर क्वांटम का वेट करना पड़ रहा है। इसमें देखें कि पहली दफ़ा क्या है, प्रोसेस P0 जो है फर्स्ट टाइम उसे फ़ौरन सर्विस मिल गई, नेक्स्ट टाइम उसे कितना वेट करना पड़ा, 12 माइनस 3 12 तक सबकी कंप्लीट हुई, फिर उसे नया क्वांटम मिला। इसी तरह से P2 का केस देखें, उसे पहले मिला 6 वाले पॉइंट पे, फिर कहाँ पे मिला, 14 पे, फिर कहाँ पे मिला, 20 पे। तो इस केस में देखें कि एवरेज वेट टाइम बेशक हमारे पास बाकी स्केजुलिंग एल्गोरिदम से इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये हम इंटरैक्टिव सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तमाम प्रोसेसेस को टाइम स्लाइस मिल रहा होता है, तो इस तरह से कंसीडर होता है कि तमाम प्रोसेसेस जैसे इकट्ठे काम कर रहे हैं। CPU के लिए हर प्रोसेस को का टाइम पता होना पहले से ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मल्टीपल लेवल क्यू स्केजुलिंग। तो मल्टीपल लेवल क्यू स्केजुलिंग जो है वो इंडिपेंडेंट स्केजुलिंग नहीं है, बल्कि वो दूसरे जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स हैं उनके साथ यूज होता है। मल्टीपल क्यूज आर मेंटेन फॉर प्रोसेस विद कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ईच क्यू कैन हैव इट्स ओन स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स, प्रायोरिटीज आर असाइन टू ईच क्यू। तो इसका आसान आप देखें कि अगर जैसे हम क्या कह रहे हैं कि ए प्रोसेसेस की डिफरेंट क्यूज बना लेते हैं, पहले तो जितनी दफ़ा हम बात कर रहे थे हमारे पास एक ही रेडी क्यू थी, उसी में से स्केजुलर क्या था प्रोसेसेस को सिलेक्ट कर रहा था रनिंग के लिए। हम देखें जैसे हम कहीं पे जाएं कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो दो क्यूज बनवा दें कि एक मेल के लिए है, एक किसके लिए है, फीमेल के लिए।
तो वो एक दफ़ा मेल वाली लाइन में से सेलेक्ट कर लें, दूसरी दफ़ा कौन सी फीमेल वाली लाइन में से सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से क्या है कि जो डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हैं हम उनको क्या करते हैं सेम डिफरेंट क्यूज़ में कर देते हैं ताकि हमें उनकी स्केजुलिंग के लिहाज से आसानी हो जाए। तो इसमें देखें कि कई दफ़ा क्या करते हैं, हमने CPU बाउंड जॉब जो हैं उनको एक क्यू में रख देते हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब जो हैं वो दूसरी क्यू में रख देते हैं। अब क्या किया जाता है कि CPU बाउंड में से पहले एक प्रोसेस को लिया जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिहाज से रनिंग स्टेट में उसे दिया जाता है, इसी तरह से फिर क्या होता है इनपुट आउटपुट, तो अल्टरनेट करते जाते हैं। इससे क्या होता है CPU का ये जो वर्कलोड है वो बैलेंस हो जाता है, ना ही ऐसा होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कोई काम ना कर रही हो, ना ही ऐसा होता है कि CPU आइडल पड़ा हो, बल्कि सारा वर्कलोड जो होता है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी आ जाती है, मल्टी लेवल क्यू स्केचिंग।